मैं आपको विपिल भाई बुलाऊं या विलन भाई बुलाऊं <laughs> भाई जो मन करे बुलाओ दोनों ही मेरे नाम <laughs> बहुत, बहुत स्वागत है विलन भाई आपका हमारे पॉडकास्ट पे ऊपर दौरेज के ऊपर थैंक यू सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि दुनिया में लोग अपना नाम भगवान की तरफ रखते हैं <laughs> दुनिया में लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ मैं मेरे जितना साफ सुथरा इंसान कोई नहीं है दूध का धुला कोई नहीं है आपने <laughs> पहले ही टैकलाइन दे दिया विलन ऐसा क्यों यार अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए बेसिकली और <laughs> दूसरों की भी थोड़ी सी बढ़िया हो जाए <laughs> थोड़ा यही था क्योंकि आदमी जब मैं अपने आप को कुछ भगवान तो नहीं पर अगर महान समझूंगा दैट मीन्स मेरे लिए बाकी लोग मेरे से नीचे हैं तुक्ष हो गए छोटे हो गए तो अगर वो मेरे से नीचे हैं तो मैं उनको हमेशा लुक डाउन करूँगा उनके साथ भी अच्छा नहीं करूँगा प्लस हमेशा मैं इरीटेटेड रहूँगा क्योंकि मेरा लेवल मैच नहीं हो पा रहा किसी से तो मेरे को सारी दुनिया बेकार लगेगी तो भाई अपने आप को जितना लोगों से नीचे रख सको लोगों में मिला के रख सको उतना लोगों के लिए भी बढ़िया अपने लिए भी बढ़िया मतलब खमखा का अहंकार शरीर में ना आए तो पहले ही नाम के अंदर आपने ये चीज़ डाल दी कि भाई विलन है अपन तो और सही बात है तो बाहर मतलब जनता भी वैसी ही है चाहे प्रिटेंड कैसा भी कर ले अंदर से तो खूंखार ही है सारे नहीं खूंखार तो क्या ही है यार मतलब सब अपने हिसाब से चल रही है दुनिया मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है मैंने ये चीज आज से छह सात साल पहले सीख ली थी कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओ ये क्या है जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ रीजनस हैं वो किसी वजह से होता है वो इस वजह से अब ऐसा डेवलप हो रखा है जो भी व्यवहार है लोगों का हर देश में जैसे व्यवहार चल रहे हैं जो भी चीज़ें चल रही है सब सेंस बनती है हर चीज़ के पीछे चीज़ कोई ना कोई कारण है हाँ कारण है और वो वैसे ही होती अगर वैसे नहीं होनी थी तो वो वैसे नहीं होती <laughs> तो इस चीज़ पे फाइट मैंने ना करना छोड़ दिया जिंदगी से कि भाई ये ऐसा वो वैसा जो है जैसा वो वैसा ही होना था वो इसलिए वैसा है बहुत सही इसके अलावा बातें हैं भाई <laughs> बहुत डीप बहुत डीप इसके ऊपर सोचे इंसान तो दिमाग चकरा जाएगा <laughs> कि यार जो भी हो रहा है जिसका भी बिहेवियर है चाहे घर वालों का हमारा <laughs> ऐसा बिहेवियर हो रहा है चाहे रिलेशनशिप्स में वो झगड़े हो रहे हैं हर चीज़ होनी थी इसीलिए हो रही है बिल्कुल बिल्कुल होनी और मैं यू नहीं कह रहा कि वो कर्मा और वो कुछ ऐसी कोई चीज़ है ये है कि भाई मेरा व्यवहार जैसा है लोगों के साथ वो मेरे पास्ट की वजह से है मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से वैसा है भाई मेरा कल्चरल जहाँ से मैं डिराइव्ड हूँ मेरे थॉट्स और जो भी चीज़ें हैं वो उसकी वजह से वैसा है आपका अकॉर्डिंगली है हर इंसान का अपने हिसाब से ही है तो वो सारी चीज़ें हिसाब से ही चल रही हैं कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है सही है कुछ आउट ऑफ प्लेस आपको फील हो रहा है वो आपकी समझ अलग है कई लोगों के लिए आउट ऑफ प्लेस बस इतना सा होता है कईयों के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाए तो उनको आउट ऑफ प्लेस फील हो करेक्ट है <laughs> तो कोई इसके बाउंड्रीज है ही नहीं अच्छा मेरे को ये बताओ जैसे आज आपका जो लुक है जो मतलब अपियरेंस है या फिर जो व्यवहार है जो बिहेवियर है वो काफ़ी एकदम शांत एकदम लीड बैक वाला कि भाई गंभीर इंसान जिसकी समझ है मतलब नो no डाउट समझ बहुत अच्छी है आपकी बट ये शिफ्ट आया कैसे आपके अंदर जैसे आज मैं अगर आपके इंस्टाग्राम को देखूं तो आज से पांच साल पहले एकदम चुलबुला सा लड़का है एकदम फुकरा एकदम जैसे दिल्ली में होते हैं लोग ठीक है एकदम क्लीन शेव्ड छोटा सा यहाँ पे वो रखा हुआ है बाल एकदम खड़े हैं ठीक है तो वहां से और आप हंस रहे हो खेल रहे हो दोस्तों के साथ डांस वाली वीडियोज है आपकी घूमने वाली वीडियोज हैं वहां से एकदम शांत विलन तो ये वाला ट्रांजिशन कैसे आया लाइफ में आपका मतलब आपकी स्टोरी क्या रही है वॉट इज योर हसल स्टोरी ये जानना चाह रहा हूँ मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं मेरा मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हर जगह पहले क्या होता है ना आप उस उम्र में ऐसा जैसा आप फील कर रहे हो ना आपको लगता है मैं वो पर्सनैलिटी हूँ और आप उस हिसाब से सबके साथ रिएक्ट करते हो उसी तरीके से वो चीज़ आप में वाइब्रेंस होती है एक लेवल की एनर्जी होती है भाई आदमी कॉलेज जा रहा है दोस्त हैं ये हैं वो हैं सब चीज़ें तो वो वाइब्रेंस रहती है और वो वाइब्रेंस सब में फैलाता है वो और मतलब मेरे तो उस समय कई सारे फेजेस चेंज हो गए थे वो तो फोटोज़ में तो आपको पता है कि क्या बस एक पॉलिश चीज़ देख है, है समझ गया बिल्कुल so, सही तो सबसे बेहतरीन चीज़ इंसान अपलोड करता है बाकी तो चीज़ें क्यों ही डालेगा वो हाँ हा, तो यही है कि अब ये समझ आ गई थी मेरे को ये भी काफ़ी टाइम पहले कि एक आदमी को अगर मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ तो वो मेरी वजह से नहीं है कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ मैं कोशिश करूँगा कि हाँ पे बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर इस अरेंजमेंट के लिए मेरा क्या है Correct. वो उस तरीके से मैं बात करूँ ठीक है उसी तरीके से व्यवहार करूँ अब कोई बदतमीज़ आदमी आके मेरे साथ बैठ जाएगा तो मैं ऐसे इतने प्यार से थोड़ी बात करूँगा hmm. तो तो फिर मैं ऐसे ही बात करूँगा हाँ भाई ये बात है <laughs> और क्या <हाल> है <laughs> तो ऐसा नहीं है हर तरीके का व्यवहार आदमी को सामने वाले को देख के करना चाहिए ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो जी तो ये जो ऊपर ऊपर से आपने बात बताई कि भाई आ, क्या बोलते हैं अच्छी चीज जो है वो दुनिया को दिखाई गई है और बहुत सारे फेसेस ऐसे थे जो नहीं दिखा नहीं। सकते थे तो जो ऊपर ऊपर से आप निकल चुके हो तो मैं उसके अंदर डाइव इन करना चाह रहा हूं थोड़ा कि वो फेजस क्या थे जिसने आपको आप बनाया आज वाला हो सकता है आपने पहले कभी ना बताया बट आज मैंने छेड़खानी कर दी है तो मेरे को बताओ थोड़ा थोड़ा बहुत तो ऐसा कर ही लिया है शेयर तो क्या था सीन कि मैं था बहुत सीधा शुरुआत में ना बचपन में तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही शांत स्वभाव में हुई है और बड़े ही प्यार से हुई है फैमिली उसमें तो जब इतने कंट्रोल्ड एनवायरमेंट से बच्चा एकदम से बाहर निकल जाता है ना तो मेरे को ये लगता था कि सब लोग अच्छे हैं कोई झूठ नहीं बोलता सब मतलब बहुत ही स्टूपिड था मैं बेसिकली तो वो चीज़ें जैसे ही दिखाई दी कि लोग कर क्या रहे हैं मैं मैं इतना अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ लोग उतना ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ उतना ही बुली कर रहे हैं मतलब कुछ समझते ही नहीं थे कि क्योंकि मैं तो ऑल द टाइम प्रेजेंट हूँ उनके लिए ओपन हूँ उनके लिए जो उनको चाहिए मैं दे रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे से वो अच्छे व्यवहार करके करेंगे क्या क्या फ़ायदा हो तो ये चल ठीक है ये तो मिल रहा है तो मिल रहा है अपना आगे बढ़ती है दुनिया तो वो चीज़ मेरे बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था मेरे दिमाग में कि मैं इतना अच्छे से जब बात कर रहा हूँ सब अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ गलत हो क्यों रहा है और सिर्फ गलत हो रहा है अच्छा हो नहीं रहा था मेरे साथ क्योंकि हर कोई आदमी भुले ही कर रहा है हर कोई आदमी कोई इज्जत ही नहीं है ये एक फेज था मेरा तो जब मैंने देखा कि नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा तो मैं ब्रेक हो गया एकदम से पहले तो बहुत खराब हुई चीज़ें उदास भी हुआ सब चीज़ें हुई फिर उसके बाद थोड़ा खराब वैसे हो गया वॉयलेंट हो गया थोड़ा सा और बदतमीज़ हो गया बदतमीज़ होते ही वायलेंट होते ही सब इज्जत कर रहे हैं कोई भूल नहीं हो रहा सब प्यार से बातें कर रहे मकाई यार ये तो बड़ी दुविधा हो गई मका ये तो सीखा कुछ और था निकला कुछ और मका ये कैसे कैसे रहा जाए फिर ऐसे में मतलब मैं अच्छा व्यवहार करूँ अब या बुरा बन के रहूँ मतलब ये क्या है तो धीरे धीरे जाके फिर मैं बुराई रहा काफ़ी समय तक फिर एक पॉइंट आया कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है कई जगहों पे ऐसा तो नहीं होना चाहिए नहीं नहीं वापस ठीक होते हैं अब तो ठीक है भाई दोबारा वैसे होने लग जाए जैसे ही मैं चेंज हो फिर मगर नहीं इनकी ऐसी तैसी फिर वापस वैसा और <laughs> और ये चलते चलते फिर बहुत टाइम बाद मुझे समझ आया कि दिक्कत मेरे में है कि मैं जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ मुझे प्यार देना तो मैं दे रहा हूँ कितना ही प्यार दे रहा हूँ ऐसे नहीं होता हाँ। ये एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यू के नॉट गो ऑल इन ऑल द टाइम ठीक है आपको संभाल के रखना होता है क्योंकि एक आदमी जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है आप उसको मैच नहीं करोगे ना अगर ये बैलेंस चल रहा है आपका ठीक है तो आप दोनों साथ में रहोगे जैसे ही मैं ओवरबोर्ड हुआ ये बैलेंस हिल जाएगा बैलेंस हिल जाएगा आप नीचे जाओगे मैं ऊपर जाऊंगा अगर मैं नीचे आ गया तो आप ऊपर जाओगे और मैं नीचे जाऊंगा ये आउट ऑफ बैलेंस हो ही जाती है चीज़ें तो जैसे रिलेशनशिप्स में भी होता है कि भाई एक आदमी थोड़ा ज़्यादा करने लगे ना तो दूसरे वाला थोड़ा पीछे हटने लग जाता है रोड डिस्टेंस धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना बढ़ जाता है कि फिर वो एक आदमी में फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है एक आदमी डोलता रहता है पीछे कि वो ओवर हो रहा है हाँ। ओवर ज़्यादा और इसको ये समझ नहीं आता कि मैं तो प्यार ही कर रहा हूँ हाँ। मैंने गलत नहीं करा मेरे साथ गलत हो गया हाँ। बेवकूफ़ के बच्चे जब जितनी ज़रूरत है उतना करो ना सामने वाले को तुम ओवर फीड कर दोगे इस प्यार प्यार है पर प्यार से तुम बर्डन कर दोगे किसी को तो वो भी गलत है तो व्यवहार हमेशा तो सामने वाले को देख के होना चाहिए तो तब से फिर ऐसे 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 करके वो बैले, बैलेंस आपने चेंज कर बैलेंस बना वो अच्छे बुरे वाला जो पूछ रहे थे आप तो ये, <laughs> ये एक बहुत डीप बात है यूथ के लिए भी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है क्योंकि आज के टाइम की, की प्रॉब्लम है हमने भी अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है कि यार मैं तो इतना प्यार दे रहा हूँ मैं इतना पूछ रही हूँ इसके बारे में कि मतलब कहाँ है क्या कर रहा है और इसको इरिटेशन हो रही है इस बात से तो मैं तो प्यार ही करती हूँ अगर नहीं करता सामने वाला तो मना कर दे बिल्कुल तो वही पर यार, असली प्रॉब्लम ये है असली प्रॉब्लम ये ज़्यादा मत घो वो छोड़ो ये तो रिलेशनशिप्स हो गई मैं पेरेंटिंग में बता देता हूँ पेरेंटिंग में इरीटेट हो जाते हैं बच्चे यार कि भाई ऑल दो दिस नॉट द प्रॉब्लम फ्रॉम द पेरेंट्स साइड प्रॉब्लम है हमारी ठीक है कि भाई हमें समझना चाहिए कि कोई प्यार दे रहा है तो उसको उस तरीके से आप परसीव करना आना चाहिए मैं अदर वे राउंड नहीं कह रहा हूँ वैसे बट आप सामने वाले की गलती तो निकाल नहीं सकते ना ठीक कर सकते आप अपनी कर सकते हो तो अपनी ठीक करने का तरीका यह सामने वाले को मैच करो बस ऑल द टाइम सामने वाला प्यार दे रहा है बहुत ज़्यादा देो ना प्यार क्या दिक्कत है सही बात है। तो और अगर नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं है मत दो रोको अपने आप को कंट्रोल करो भाई उसको क्यों इरिटेट करना है तुम्हें ज्यादा प्यार दे के उसको नहीं जरूरत इतने प्यार की क्योंकि वो नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा मतलब उसको जरूरत भी नहीं है तो तुम क्यों जबरदस्ती दे रहे हो भाई अपने आप को तुम्हें मजा आ रहा था तुम कुछ <laughs> भी <थे। laughs> सही 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 चलो अब म्यूजिक के ऊपर आते हैं आप मेरे को बताओ आपने म्यूजिक की शुरुआत करी कब थी और जैसे आपका पहला ही गाना फटा था बहुत जबरदस्त फटा था है ना एक रात और वही गाना मतलब पहला ही सॉन्ग आपका ऐसा था कि पूरा हिंदुस्तान ऑलमोस्ट जितना भी यूथ था सब आपको जानने लग गए थे ठीक है ये बहुत रेयर केसेस में बहुत रेयर आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है उस वाले पर्टिकुलर सॉन्ग की और क्या वो आपका सच में पहला गाना था या उससे पहले भी आपने बहुत सारे गाने बना रखे थे लेकिन लॉन्च ये वाला किया आपने पहले और इस इंडस्ट्री में आए कैसे बहुत सारे सवाल हो गए एकदम डिटेल में बताऊँ मुझे कोई नहीं शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं सारी दिक्कत परेशानियाँ जो भी लाइफ लुइफ की समझ थी क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज और काफी दिक्कत में रहा हूँ अभी तो सोल्यूशंस हैं मेरे पास पर तब नहीं थे नहीं। और कोई बताने वाला भी नहीं था तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए ना ये चीज़ें जानना कि क्या हो क्या रहा है ये और मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें ना करूँ क्योंकि मैं बहुत खराब स्टेट में चला गया था तो मेरे पास सिर्फ एक सोल्यूशन था या तो ठीक हो या तो वो चीज़ करनी नहीं थी परिवार है सब है फैमिली है तो दूसरा ऑप्शन था ठीक होना समझना जैसे जैसे चीज़ें समझी समझ के अब मेरे ऐसा पॉइंट आ गया कि ठीक है फिर कोई कुछ क्यों ही करना है ठीक <laughs> है सब फर्स्ट क्लास है भाई जिंदा होना बहुत बड़ी बात है भाई जिंदा होना बहुत जिंदा है अब कोई कोई इसका मेजर नहीं है ना सक्सेस का मेजर है ना पैसों का मेजर है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे ज़्यादा पैसे कितने सौ रुपये ज़्यादा पैसे दस करोड़ रुपये अरब अरबों रुपये क्या ज़्यादा पैसे कितने होते हैं ज़्यादा सक्सेस क्या होती है समझ रहे हो एक रिक्शे वाले के लिए सक्सेस है कि आज की रोटी मैंने खा ली बढ़िया पेट भर के दूसरे के लिए सक्सेस पता ही नहीं कुछ भी हो सकती है तो इसके कोई मेजर्स तो है नहीं तो मैं संतुष्ट हो गया था कि मैं तो बहुत बढ़िया जगह पर उठ के भाई जीवित और हाँ, जीना चाहता तो तो मैं तो बढ़िया जगह पे हूँ अच्छा हस्ता खेलता भाई मेरे परिवार है सारा भाई बहन है बड़े हैं सब है मैं कहाँ धक्के खा रहा हूँ भाई क्यों क्यों खाने और तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ पैसे भी कमाऊँ या कुछ कुछ ऐसा करूँ भी नोटिस हो मेरी मेरी नीड्स फुलफिल हो गई थी और मैं काफ़ी टाइम तक अकेला रहा था तो पहले मैं फोर्सफुली अकेला छूट गया था बट उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि नीड ही नहीं है किसी की तो मैं जब आदमी की नीड नहीं बची कुछ करने की नीड नहीं बची कुछ कमाने की नीड नहीं बची संतुष्टि संतुष्ट आदमी कुछ क्यों ही करेगा तो बस ये एक तरीके से फिर मैं कह ये था कि चलो एक दिन ये हुआ कि यार जो भी चीज़ें पता है ठीक है वो चीज़ें पास ऑन भी तो कर सकते हैं वो नॉलेज को नॉलेज पास ऑन करनी चाहिए तो फिर उसके ज़रिए ढूंढने लगा मैं कैसे करनी चाहिए तो म्यूज़िक मेरे को काफ़ी प्रॉपर जरिया लगा जिन चीज़ों में मैं ठीक हूँ विजुअली काफ़ी स्ट्रोंग है मेरी विजुअल इमेजिनेशन और इस तरीके की चीज़ें तो मैंने उस हिसाब से चीज़ें बनानी चालू करी एक रात पहला ही गाना था और मतलब इससे पहले ना कोई इंटरेस्ट था ना कभी कुछ बनाया था किसी भी तरीके का ये गाना एक रात बनाया ही ऐसे था कि मेरा जो डिप्रेशन वाला फेज़ था वो काफ़ी लंबा था और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा उसमें और उसमें एक फेजेस होते हैं आपके ना आप चेंज होते रहते हैं तो वो सारे फेजेस मैंने एक रात गाने में डाले थे और वो एक रात गाना यही था कि आप ये एक रात में कवर हो सकते हैं सारे फेजेस इफ़ यू वॉन्ट टू क्या अगर आप चाहते हो ना कि भाई मुझे जेनवन निकलना है कहने कहने को नहीं सही में चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन नहीं आप खुशी रहोगे दूसरी तीसरी कोई बात नहीं होगी कि भाई कोई नहीं हो पा रहा है या कुछ भी और हो रहा है नहीं अगर खुश होना है ना सही में तो ना आप ये देखोगे मुझे कहीं से सिम्पति मिले ना आप खुद पे तरस खाओगे कभी भी ना आप खुद को अच्छा समझोगे ना ये कोई भी इनमें से चीज़ नहीं करोगे सिर्फ आपका एक फोकस होगा मैं खुश हो रहूँ बस जो भी हो सकता है इन एनी केस तो तब आप बुरा ना फील कर पाओगे ना उस तरीके के अरेंजमेंट में रह पाओगे तो ये सारी चीज़ें एक रात इस हिसाब से बनाया था कि ये जब एक रात में हो सकता है ना सब कुछ उसके लिए इतना लंबा समय व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें वो सीख थी तो आपने ये जो गाना आप जैसे पहले भी बता रहे थे मुझे कि गाने का कोई बैकग्राउंड आपका था नहीं आप पहले पैराग्राफ लिखते थे उसको थोड़ा मेरे को हाँ, 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 को डिटेल में बताओ बताओ हमारे कि कैसे आपने किया तो, तो एक रात मतलब कैसे बना था भाई ये पूछना चाह रहे हैं हाँ, हाँ, <laughs> हाँ। तो सबसे पहले मैंने भाई अपना ये देखा था कि मुझे बताना क्या है जब मेरा क्लियर था कि भाई ये बात बतानी है मुझे कि मैंने इतना सफर करा ये चीज़ सफर मत करो इसको शॉर्ट करो टाइम को तो वो कैसे कैसे फेजेज होते हैं फेजेज थे वो फेजेज बनाए कि वो कैसे कैसे फेजेज उन फेजेज को एक इस तरीके से प्रोजेक्ट करा कि लोगों को क्या रिलेटेबल लगेगा और उनको समझ आए उससे बात सही बात ठीक है आधा उसमें मेटाफोरिकल था आधा लिटरल था तो वो चीज़ों को बनाया इंस्टांसिस बनाए वीडियो की बात कर रहा हूँ तो वो इंस्टांसिस बनाने के बाद एक पूरा स्टोरी सेटअप हुआ फिर मैं बैठ के अपना उसको एडिट करता रहता शॉर्ट बाय शॉर्ट शॉर्ट बाय शॉर्ट शॉर्ट बाय शॉर्ट वीडियो बनी सिस्टम पर दिमाग में दिमाग में। दिमाग में में कर रहे एडिट <laughs> मतलब फर्स्ट क्लास एडिट चलता था कि हाँ ये डाल दिया यहाँ क्लोज अप कर दिया वहाँ वो प्रॉपर एडिटिंग चल रही होती थी बहुत मतलब बहुत वियर टाइम था मतलब ये मैं समझा आज तक नहीं बता पाया कि मैंने उस समय कितनी मेहनत करी अपनी जिंदगी में और ना मैं कभी इतनी मेहनत दोबारा कर सकता पर यह है कि जो उस समय मैंने कराया ना अगर मैं इसके अलावा कुछ भी और करता ना मैं इतने ही ज़बरदस्त तरीके से करता तो फिर वो विजुअल बनाए उसके पूरे एक रात के फिर उसके बाद उसके ऊपर गाना लिखना चालू करा था तो मैंने बातें लिखनी चालू करी कि ये ये बात बतानी है गाने के अंदर तो पैराग्राफ लिखता था कि ये पूरी बात है अब इसको लिरिकली उतारना फिर लिरिक्स पढ़ने चालू करे मैंने गानों के कि कैसे होते हैं क्या फ्रेमिंग होती है कितना लंबा होता है कितने पैराग्राफ्स होते हैं कैसे कैसे तो कर होते हाँ, हैं लास्ट वर्ड से लास्ट वर्ड कैसे हाँ हाँ, हाँ हाँ तो वो सारी चीज़ें सीखी मैंने पढ़ पढ़ के लिरिक्स फिर उसके बाद उनको लिरिकली उतारना चालू करा था आ, फिर आया था प्रोडक्शन का समय म्यूज़िक वगैरह का फिर म्यूज़िक में आए तो म्यूज़िक में भी ऐसे ही कि भाई शुरुआत में मेरा था कि मैं किसी और से ही करवाता म्यूज़िक कोई नॉलेज ही नहीं है मुझे पर फिर वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी उस हिसाब से तो मैंने फिर गाने सुनने चालू करे बहुत ज़्यादा मैं दिन के हज़ार हज़ार गाने क्या? सुन लेता था कि मतलब गाने चल ही रहते थे और पूरे पूरे दिन गाने ही पूरे दिन, दिन सिर्फ कान में गाने होते थे मेरे और उसमें सिर्फ मैं ये देख रहा होता था कि क्या बजता है होता क्या नहीं है <laughs> उससे <laughs> पहले चीज़ें तो पता ही नहीं थी कि ये छन बज रहा है ये ये वलाना बज रहा है तो वो चीज़ों पे ध्यान देना चालू करा कि ये कैसे क्या क्या चीज़ें बज रही हैं नाम नहीं पता उनके कुछ नहीं पता वो अपने दिमाग में नोट डाउन करी मुझे ये ये चीज़ें पसंद है ये मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पसंद आए मुझे फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स उठा के फिर उस तरीके से उसको डेवलप करवाया कि भाई उनको कंपोज करा सबको कि ये ऐसे ऐसे, ऐसे बजेगा ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे, ऐसे बजेगी तो एक एक करके एक एक करके लेयर बाय लेयर पता नहीं कितने महीनों में उसका म्यूजिक बना था जो इसका खाली ड्रॉप भी है ना जो वो, एं, एं, ये वाला ये भी एक हफ्ता लगा था प्रॉपर हमने इसकी साउंड डिजाइनिंग करी थी ऐसे पीक्स बना बना के तो मतलब ये फिर पूरी ऐसे जर्नी एक एक चीज़ को उठाया उसको परफेक्ट करा उसके बाद अगली चीज़ उठाई परफेक्ट करी तो ऐसे ऐसे करके पूरा गाना बना कर तो जैसे आपने अपनी जिंदगी लिखी है पूरे गाने में पूरी नहीं। तो नहीं जिंदगी <laughs> तो लिखी है तो ये जो तो लाइन है कि कौन सी है वाली तेरे वारे ना सोचू पूरे हिंदुस्तान को ये लाइन खाना है पर तू तोड़े दिल मेरा तेरी औकात नहीं तो ये जो आपने अभी तक ये वाला फेज बताया ही नहीं जैसे आपने बताया कि कि एक फेस आया लाइफ में आपने जिस तरह से अभी बताया कि कितना डिप्रेस्ड था और कितनी मुश्किल से आप बाहर निकले ये दोस्तों से तो नहीं होता दोस्त अगर बोल दे कि भाई ऐसे ऐसे करा तो आप भी यही बोलोगे तू भी ऐसी तैसे करा कहीं ना कहीं कुछ हार्ट ब्रेक वाला सीन हुआ है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मतलब जो आपके लिरिक्स भी निकल रहे हैं वो थोड़ा बताओ ऐसा कुछ है अगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फेज में अभी भी बहुत सारे लोग होंगे शायद हिंदुस्तान में नहीं तो मैं इस चीज के लिए बता रहा हूँ कि शायद इससे कुछ सीखने को मिल जाए उन्हें नहीं नहीं मेरे को वक्ला जरूरत तो नहीं।, <laughs> <सुर। laughs> नहीं नहीं ये नहीं, था नहीं भाई ऐसे तो जितना बुरे हाल मेरे थे वो लड़की से भी नहीं होते अच्छा तो रीजंस बहुत अलग थे मेरे उस तरीके की परेशानी हो झेलने की लड़की वाला कोई सीन था नहीं मेरा अच्छा। तो ये जो है ना तेरी औकात नहीं तो इसमें अच्छा। जो मैं बता रहा था फेजेस बनाए थे एक रात में तो ये एक फेज है उसका ही जब आप एक वॉयलेंट बिहेवियर में होते हो जब आप बदतमीजी के फेज में होते हो कि मुझे मतलब नहीं है मैं हीरो हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ तू कुछ नहीं है पर मेरे लिए समझ रहे हो तुम कुछ नहीं हो तो ये ये होता है एक एंग्री फेज जो होता है जो कि ठीक है बाहर निकलने के लिए मेरे लिए तो बहुत हेल्प हुई थी ऑल दो बट आप इसको स्किप कर सकते हो अगर ही कोई इश्यूज़ नहीं है तो बट मेरे को ये चीज़ मतलब मेरी ये भी काफ़ी लंबी चली थी तो ये उसको एक मेटाफोरिकल रीजनिंग देने के लिए था कि उसके बाद फिर समझदारी वाली बातें आने लगती हैं फिर उसके बाद सेल्फ लव वाली चीज़ें आने लगती है तो वो पूरा ऐसे ही उससे पहले ना समझी आती है ना समझी आती है गाने के अंदर कि भाई कि ऐसा क्यों करा क्वेश्चन हैं ठीक है कुछ सोल्यूशन नहीं है होपलेसनेस है तो वो सारे फेजेस की तरीके से बना ये सबसे यूनिक बात है आपके गानों की कि आपके गानों में मतलब निकलता है आपके गानों में मतलब निकलता है आज भारत में बहुत ऐसे कम आर्टिस्ट हैं जिनके गानों के अंदर से सच में मतलब और ऐसा निकले कि एक नॉर्मल व्यूअर को एक आम जनता को समझ आए अगर आप एग्री करते हो तो नीचे बताना आठ ठीक है अब मेरे को ये बताइए कि एज एन आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट अभी आपके क्या क्या गोल्स हैं अभी आप क्या क्या करने वाले हो या करना चाह रहे हो अभी देखो अभी तक क्या था कि शांति बैठा हुआ था मैं आराम आराम से म्यूजिक कर रहा था जो मन कर रहा था भाई जो समझ है वो समझा दिया उतना उससे फालतू बट अब ये है कि अब मेरे लिए ना मेरे को ये लगता था हमेशा से कि काफ़ी मेजरेबल लाइफ होगी मेरी ये गाने बजाना और ये सब क्योंकि मैं इस तरीके की ना पर्सनैलिटी था ना मुझे इतना अटेंशन पसंद थी कभी से ही तो मेरे को काफ़ी डर लग रहा था इस चीज़ से तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ना एक रात आने से पहले जो पोस्ट है ना वो उसमें यही लिखा हुआ है पीपल विल लव इट एज आई वॉक ऑन द पाथ ऑफ मिजरी और पीछे विलन का लोगो है उसमें ऐसे कोट फोटो डाली हुई है मैंने तो मेरे लिए मेजरेबल था मेरे दिमाग में कि ये थोड़ा सा ख़राब होएगी चीज़ क्योंकि मैं ऑलरेडी सेटिसफाइड हुई यार इससे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी मुझे बट देन वही और समझ आई थोड़ा और मैच्योर हुआ कि अगर मैं एक सेफ़ प्लेस से बाहर निकल के अगर कुछ नहीं रह पाया तो क्या समझदार हुआ भाई समझदार तो तब होऊंगा ना कि जब हर जगह खुशी है सिर्फ तुम कुछ छेड़ ही नहीं पा रहे मुझे सर कम से कोई मतलब ही नहीं है तो बहुत बैलेंस्ड जगह पे हूँ मैं फिलहाल तो उसके बाद ये था कि भाई जो चीज़ कर रहे हैं जो चीज़ करी है उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं तो हैं। वो कंटिन्यू करने वाले स्टेज पे हैं अभी कि नहीं ठीक है जो चीज़ हमने करी थी शुरुआत करी थी जो भी सोच के करी थी ठीक है उसको करते हैं आगे तो अभी इतना ही है बस ये है कि लोगों का अब लोगों की जब बात आती है तो लोगों का ऐसे होता है कि ठीक है इसको हमने देख लिया उनको इतनी बातों से मतलब नहीं हुँ। <laughs> हुँ। <laughs> तो ये देख लिया विलन आया था विलन चला गया तो उसके लिए अब हमें थोड़ा सा और हाइब्रिड सिस्टम इंड्यूस करना पड़ता है तो वो चीज़ें चल रही हैं कभी मैंने प्रमोशंस वगैरह करे नहीं अपने गानों के किसी जरूरत नहीं के। पड़े भाई <laughs> ज़रूरत ही नहीं पड़े नहीं मतलब वही तो अब उस तरीके की चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान है कि चलो ठीक है एक इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ के करते हैं अभी बहुत ऐसी बातें जो जो मेजर चंक था ना वो तो बाहर आया ही नहीं अभी तक जो एक आर्ट में भी और बताने जो असली में भी। कला है जो असली चीज़ें आपने छुपा रखी अपने संदूक में वो वो अभी तक बाहर आई नहीं है तो हाँ। उसको बाहर आने के लिए मुझे उनकी औकात मैच करनी पड़ेगी लोगों के सामने कि भाई ये वाली बात एक ऐसा आदमी बोलेगा तो अच्छा लगेगा उसके अलावा एक ऐसे ही छोटा बच्चा विलन आया है जी आर्टिस्ट है जी सारे आर्टिस्टों में वो बोलते हुए ऐसे अच्छा नहीं लगेगी और वो जाया नहीं कर सकता मैं वो बात को क्योंकि पहले अपने कद को बड़ा बनाना है तो बाकी वो इंसान इसी सेम बात को बोले हु, मतलब भाई अपने कद को भी कह लो या फिर अपने भाई पहुंचना है उतने लोगों तक कि जब वो बात आए तो वो पहुंच जाए और उसकी उसकी समझ आए कि नहीं इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको वैलिडेशन हो उसके पीछे ना क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी हो है राइट तो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो वो चल रहा है बहुत जबरदस्त। मुझे ऐसा लगता है <laughs> जनता भी बहुत मतलब एक तो बात है कि एज एन आर्टिस्ट आप करना चाह रहे हो और एक बात है कि आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके देखो तो आपको भी पता कि कितनी जनता चाहती है कि भैया थोड़े रेगुलरली गाने अपलोड करो <laughs> गाने डालो अब, अब थोड़ा सा आ, तो ये डालना है अब मेरे को ये बताइए एज एन आर्टिस्ट एक मतलब नया बंदा अगर आना चाहता है इस फील्ड के अंदर और वो भी गाने लिखना चाहता है तो कैसे कैसे कुछ स्टेप्स आप सिखा पाओगे समझाना चाहोगे इसके अंदर क्योंकि आपने तो मेहनत करी है कुछ लोगों में बॉन्ड टैलेंट भी होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं बिल्कुल आपकी तरह कि बिल्कुल जीरो नॉलेज है जीरो बैकग्राउंड है कुछ नहीं पता तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकता है और एज एन आर्टिस्ट कमा कहाँ कहाँ से सकता है ये भी थोड़ा बताओ तो यार जब आप शुरू कर रहे हो ना तो शुरू करने के आप आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोटिव आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो अगर ये नहीं पता होगा आप एंडलेसली धक्के खाते रहोगे आप उल्टी सीधी कुछ भी चीज़ें बनाते रहोगे जिसका कोई सेंस नहीं होगा अगर आपको ये पता है मेरा मोटिव है एंटरटेनमेंट मुझे एंटरटेन करना है एंटरटेनर तो आप उस तरीके से ही आप अपना माइंड सेट रखोगे उस तरीके की चीज़ें सोचोगे उस तरीके की चीज़ों पर ध्यान दोगे वो और आप अच्छे से बना पाओगे पर अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे फेमस होना है कोई कोई कुछ है ही नहीं इसकी बाउंड्रीज यार कैसे कैसे फेमस हो जाओक पूजा जाओ पूजा क्या बन जाओ अपना कपड़े उतारो सड़क पे भागो हो गए फेमस <laughs> क्या दिक्कत <laughs> है समझ रहे हो तो वो अपना मोटिव आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा मोटिव ये है मुझे ये करना है और इसलिए करना है यहाँ से शुरुआत होती है ना तो एक बहुत स्ट्रांग बेस बन जाता है करेक्ट भाई अगर मैं घर से निकल गया मुझे यही नहीं पता मुझे पहुँचना का है पर मुझे जाना है कहीं कहीं तो कहाँ जाना है भाई घूमता रहूँगा मैं तो कहीं पहुंच ही नहीं पाऊंगा और हो सकता है जो मुझे अल्टीमेटली चाहिए भी हो मैं उससे आगे से निकल जाऊँ मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे यहां पहुंचना था कोई अंत नहीं है ना चीज़ों का फिर तो ऐसे ही भागते चलोगे तो जब आपको अंत पता होगा उसके बाद आप सीधा देखोगे कि वहां तक कैसे पहुँचना है मुझे तो काफी आसान हो जाती है चीजें करनी तो ये लिरिकली काफी मोटी बात है गूगल मैप पे भी तो आप डालते हो ना कि डेस्टिनेशन ये है मेरा यहाँ पहुंचना है तो जब आप Uh, बातें हैं अब हम बातें कर रहे हैं शब्द यूज़ कर रहे हैं हर तरीके के सारे शब्द आपको पता है सारे मुझे पता है मैं उनको किसी तरीके से वीव कर सकता हूँ आप किसी और तरीके से वीव कर सकते हो तो वो इस वजह से फ़र्क पड़ता है कि आपका मोटिव क्या है मोटिव क्या। तो उस हिसाब से फिर आप उसकी वीविंग चालू करते हो उस हिसाब से अपनी थाट प्रोसेस बनाते हो उस हिसाब से वो आर्ट बनती है तो दिस इज़ द मतलब अगर एक अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है तो ये तरीका वरना तो, तो, फिर तो टांग तोड़ दो वरना उठाओ ला, ला 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 ओ हो 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 फिर तो कुछ भी बना दो कोई दिक्कत थोड़ी है। सही यार कुछ लाइव सुनाओगे सुना नहीं यार कोई सुनाओ दिक्कत नहीं, पसंद तो नहीं है पसंद तो नहीं मुझे पर नहीं आप आज सुना दो रॉ थोड़ा सुनना चाहिए हमारी जनता बताओ कौन सा सुनना एक रात एक रात सुना सकते हो चिड़िया सुना सकते हो बहुत सारे फेमस गाने आपके ये सुना सकते हो क्यों ढूंढे बताओ बताओ जो मर्जी भाई कोई मुश्कत नहीं है, है? <laughs> नहीं आप आपका जो मन करे आप सुनाओ चलो क्यू ढूंढे सुना दो चलो क्यू ढूंढे <laughs> 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 तो ये बीच की लाइन है क्यों ढूंढेगी की क्यों ढूँढ तू भीड़ में एक अपना अपने तो यहां सब भी है क्यों ढूंढ है तू रात में का पता चांद मस्ती अब बताऊंगा मेरा गला खराब है लो हाँ। पहले बताते हैं ना सोचते बाहर ना मार रहा है हाँ। <laughs> सही में खराब है आज। नहीं लेकिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा थैंक यू यार थैंक यू शादी कब कर रहे हो ये क्योंकि मेरा सवाल नहीं है ये पूरे हिंदुस्तान का सवाल <laughs> है हिंदुस्तान को मेरे तो इतना भी मतलब नहीं, नहीं, यार, नहीं जो आपको पसंद करते हैं उनका तो क्वेश्चन है ही है कि विलन भाई शादी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सिंगल है रिलेशनशिप में है फिलहाल सिंगल है सिंगल बट ये है कि समय आएगा तो भाई करनी पड़ेगी मेरे पास उसका ना चारा नहीं है क्योंकि मेरे फैमिली ना काफी अपने इरादों को लेके मजबूत है <laughs> तो मेरे इरादे व काम आएंगे नहीं क्या तो कब सोचें कितने सालों में निपटेगा यार अभी तो भाई मेरे ख्याल डेढ़ तो <laughs> लो, लो, <laughs> <laughs> तो एक इंसान जो बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड रखता है म्यूजिक के बारे में फिर भी अगर वो म्यूजिशियन बनना चाहता है तो क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं और कैसे वो कर सकता है बाकी उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि कितना सीखेगा कितना करेगा बट पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकता है एज एन आर्टिस्ट अगर आप बताना चाहो Hmm. कि कैसे कैसे सोर्सेस से वो पैसा जनरेट कर सकता है वैसे मुझे ये बात पता है कि आपका पैसों से ज्यादा मतलब रहा नहीं है थ्रू आउट योर करियर आप पहले hmm. से सॉर्टेड हो लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको पता तो होगा कि क्या ज्यादा hmm. चल रहा है तो वो चीज मैं जानना चाहता हूं देखो चल तो क्या ही रहा है कि मतलब मेजर कमाई होती है ऑफकोर्स शोज ठीक है यू नो आप अपनी कला को दिखाओगे वो दिखाने की आपकी जो प्रेजेंस है सारी चीज़ें आर्ट ऑफ पर्सनालिटी है ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए तो उसके बाद ये शोज़ वाली सबसे मेजर आ, चीज़ आती है उसके बाद स्ट्रीमिंग आती है करेक्ट स्ट्रीमिंग में जैसे पहले यूट्यूब हैवी था hmm. यूट्यूब पे लोग खाली होते थे यूट्यूब पे जाते थे अब यूट्यूब पे नहीं जाते अब इंस्टाग्राम और, और पचास चीज़ें तो अब वो सारी चीज़ें जनता ड्राइव हो के ना उनकी जैसे पहले ना थोड़ी सी पेशेंस ज़्यादा होती थी पहले बनते थे सात से सात मिनट के गाने आठ मिनट के गाने तो वो धीरे धीरे कम हो रही है अभी अभी ये वन मिनट म्यूजिक वाला भी कैंपेन चला था जिसमें ढूंढे डूंड भी था जी तो वो धीरे धीरे ना लोगों की पेशेंस कम होती जा रही है एक चीज़ पे रुकने की उसके पीछे काफ़ी साइकोलॉजिकल रीजन है बट उसकी वजह से यूट्यूब में इधर बहुत लॉन्ग कंटेंट चल रहा है ठीक है जो सच तुछ में वैल्यूएबल वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा हो वैल्यूएबल भी मतलब आदमी एक बारी मैं उसने खोला और उसका काफी समय उसमें निकल गया <laughs> या फिर बहुत छोटा बीच का थोड़ा सा कम चल रहा है अभी हिसाब किताब में ये मतलब ये इनसाइट वाली चीज है हाँ। तो यूट्यूब अब काफी नीचे आ चुका है एल्गो के मामले में जी। तो स्ट्रीमिंग जो स्पोटिफाई वगैरह से है उससे थोड़ा उससे ज्यादा आता है ज़्यादा बढ़िया पैसा पैसों के मामले में तो अभी तो फिलहाल ये बाकी ब्रांड्स होते हैं फलाना फलाना मतलब अगर एक बिगिनर ज्यादा वीडियो के ऊपर ध्यान ना भी दे एक बिगिनर है उसके अब पैसा नहीं है ज्यादा लगाने के लिए तो वीडियो पे ध्यान ना भी दे अगर ऑडियो को इक्वलाइजर के साथ डाल दे और स्पॉटिफाई वगैरह पे डाल दे हुँ। तो ही कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी है सर मतलब इट्स नॉट अ अगर वो स्टोरी टेलिंग है उसमें इन्वॉल्व या किसी तरीके से आपकी आर्ट को आप एक फेस देना चाह रहे हो डिफरेंट स्टोरी यू शुड डू दैट बट ऐसा कुछ नहीं है इट्स एन ऑडियो और आप ऑडियो को ही आ, अपना, मतलब आपकी सकते हो हाँ, तो ऑडियो इज एन ऑफ मतलब वो वाला समय चला गया कि आपको वीडियो होनी जरूरी है आपको, आपको वो आर्टिस्ट नहीं समझेंगे कि उसकी तो वीडियो ही नहीं है नहीं, <laughs> तो वो सारी चीजें धड़ाधड़ा रिलीज कर सकता हूँ हमारे टाइम ही नहीं मिल पाता जाए और वीडियो को शूट करें बड़े बड़ी कंपनी अवॉइड कर रही है आ, बहुत ज़्यादा बजट्स इनफ्यूज़ करना क्योंकि जो पहले होता था ना कि भाई बड़े बजट लग रहे हैं वीडियोस पे पचास, पचास पचास लाख रुपए लग रहे हैं चीज़ें लग रही हैं वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं क्योंकि लोगों को अब वो पसंद ही नहीं आ रहा अब लोगों को पसंद आता है कि जो असली चीज़ें हैं रियल कंटेंट है रिलेटेबल चीज़ें पसंद आती हैं उनको ये इस तरीके से वाह यार गाड़ी वा यार इतनी सारी लड़कियाँ वा यार ये वो जनता धीरे धीरे समझदार वो इरीटेटिंग लगने लग गया अब उन्हें तो वो सारी चीज़ें वैसे भी ख़त्म हो रही हैं प्लस ये विजुअल जो अभी थोड़ा वो चल रहा है कि भाई जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए चीज़े या फिर शांति से बैठ के पीछे से चले जा रहा है कुछ ना कुछ तो वो ऑडियो पे मूव हो गया है स्पॉटिफाई पे बहुत ज़्यादा मूव यार चिड़िया गाना सौ मिलियन क्रॉस आए स्पोटीफाई uh, पे अगर सौ मिलियन ना हो तो काट देना भाई <laughs> <नहीं>, <laughs> बट, नहीं बट, बट मेरे ख्याल से सौ मिलियन समथिंग क्रॉस्ड है तो एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पर वेरी बेग नंबर तो वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है गो फॉर ऑडियो अगर आप नए नए आपको बनाने इस तरीके से परस्यू करना है तो ऑडियो इज फाइन क्या बात है अच्छा इसके पीछे की क्या स्टोरी है पहले <laughs> हमारी जनता को बताओ कि कैसे लगी ये ये यार बचपन का शौक था कुछ टीवी में कार्टून वर्टून देखा होगा कोई आ, तो हमेशा ड्रैगन बॉल थी देखते उसमें ये नहीं था बट उस हाँ हाँ उस उस तरीके की चीज़ें काफी देखते थे उस टाइम पे तो ये बहुत अपीलिंग लगती थी मैं टंगा के घूमता रहता था तार था ना इसमें आ, तो करवा तो सकते नहीं थे मैंने तो बल्कि ये अभी बता रहा हूँ मैं बात एक रात में भी ये थी नहीं ये सिर्फ ये था कि ये होगी मेरे तो मैंने नकली लगाई हुई थी उसमें और अगर मैं करवा लेता तो मेरे घर वाले तो पता नहीं ये गाने है गाने बना रहे हैं तो, तो पिटाई बहुत बहुत बुरी <laughs> तो वही था कि फिर उसके बाद थोड़ा समय आके जब वो एस्टेब्लिश हो गया कि अच्छा ठीक है तब मैंने एक्चुअल पेयर तब कराई कराई थी कितना पैसा पैसे से आपको संतुष्टि है कि पैसा चाहिए ही नहीं लाइफ में ठीक है और ज़्यादातर लोगों का अगर मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं जिंदगी में उनका ड्राइविंग फोर्स मनी ही होता है 99% लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है तो, तो आपका अगर मोटिवेटिंग फैक्टर पैसा है ही नहीं तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ड्राइव कर रही है और जिंदगी मतलब करना चाह रहे हो कुछ बड़ा आपको मेरी आँखें देख के लगता है मेरे में एम्बिशंस है <laughs> 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 कुछ नहीं है होते ही हैं सपने कोई सपने नहीं है भाई मैं तो मैं कह रहा हूँ ये सब शुरू होने से पहले मैं शांत बैठा था बहुत फर्स्ट क्लास मेरा इंस्टाग्राम मैंने जो आप बता रहे हो ना उल्टी सीधी फोटोज हैं और ये है वो है मेरा एक बार इंस्टाग्राम खोल के देखो पूरी जर्नी मेरी जो जो मैं कह रहा हूँ ना वो दिखाई दे जाएगी हाँ। कैप्शन में कुछ मैंने पोस्ट में वो डाले हुए हैं कोट्स वगैरह डाले हुए हाँ। हैं खुद के लिखे वो उसमें सब दिख जाएगा कि कैसे कैसे आया तो ये सारी चीज़ें होते होते हुई हैं और मैं सही में ऐसा था सही में मे इस लेवल की सेटिस्फैक्शन थी और जो पैसों वाली भी चीज़ है यार मेरे को हमेशा से नहीं पता था हम ठीक ठाक है घर से मेरे मेरी अब ब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि मेरे को ये लगता था कि मेरे स्कूल के पैसे की फीस मतलब पता नहीं कैसे दे रहे हैं घर वाले और मैंने अपनी बारहवीं क्लास में ये तो फैक्ट्स हैं मतलब ये तो झूठ नहीं बोल सकता कोई भी आके बोल देगा कि झूठ बोल रहा है भाई पचास दोस्त है मेरे तो मैंने बारहवीं क्लास में अपनी स्कूल की बस छोड़ दी थी बहुत दिन नहीं जाना तो डीटीसी में गया हूँ मैं कि पैसे बच जाएंगे जो भी तीन सौ चार सौ रुपये का वो होता था तो मैं तो भाई इस तरीके से रहा हूँ मेरा बचपन में तो ये सपना था कि इतने पैसे होने चाहिए एटलीस्ट कि आदमी जब उसका मन करे तब एक कुछ पेप्सी या जो भी कुछ खरीदना हो तो वो ख़रीद ले तो मैं उस वाले माइंडसेट में रहा हूँ हमेशा से हमारा घर घरेलू लाइफस्टाइल भी कभी ऐसा नहीं रहा कि भाई हम पैसा दिखा रहे हैं पैसा कभी पता ही नहीं चला कि है मतलब और यूँ भी नहीं है कि यार बहुत ही कुछ बहुत ही ज़्यादा था इतना था कि मतलब मैं उसको समझता हूँ बिल्कुल परफेक्ट एक मिडिल क्लास अच्छी फैमिली होती है वेल ऑफ कि जब कुछ चाहिए तो वो मिल जाएगा बट वो अप्रीशिएट भी आप उतना ही करोगे Correct. क्योंकि वो मुश्किल से मिलेगा <laughs> तो उस वाले Correct. लेवल पे रहे हैं हमेशा और मेरे को हमेशा बचा के रखा मेरे घर वालों ने ना hmm. मेरी ना मैंने कभी पॉकेट मनी मांगी ना मैंने पैसों का मतलब मेरे को बचपन से वो नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे को बड़ा ऐसे करा कि पैसे कभी ऐसा नहीं दिखाया कि ये कुछ बढ़िया चीज़ है फॉर एग्जाम्पल बाहर के खाने को मुझे कभी ऐसा नहीं दिखाया कि अच्छी चीज़ है एज अ ट्रीट तो वो चीज़ कभी दिखाई नहीं तो मुझे वो उस चीज़ पे कभी अपील आई ही नहीं आए। मैं बाहर का खाना अभी भी नहीं खा पाता तो ऐसे ही सेम पैसों का था उन्होंने कभी दिखाया नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है उन्होंने कभी कुछ मैंने मुझे चाहिए होता तो कहते थे कि हाँ दिला देंगे पर कैसे दिला रहे हैं वो है हमारे वो उस तरीके से मेरी मुझे ऐसा फैलने नहीं दिया कभी भी कि भाई टेंशन मत लो बहुत पैसा तो, तो कुछ नहीं। पूरा टाइट रखा है तो वो टाइट रहने की वजह से ही है कि यार ज़रूरत ही नहीं है क्या करूँ मैं अभी भी हद से ज्यादा है सिस्टम तो उसका कोई फायदा थोड़ी मैं मतलब क्या करता हूँ ना बाहर जाता ना बाहर का खाता ना पार्टियों में जा रहा है तो क्या क्या करना है पैसे का सही बात तो ये है कि और बाकी जो ड्राइविंग फैक्टर होता है ड्राइविंग फोर्स होती है पैसा तो भाई वो लोग कभी सेटिस्फैक्शन में पहुंच नहीं पाते वही नहीं वाली नहीं बात, बात है कि है। उसका अंत नहीं है यार तुम तो अभी मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये मेजर कह रहा हूं मैं उसको फेम वाली लाइफ को ये तो डाला हुआ है मैंने उस टाइम पर अब तो जाके नहीं डाल सकता मैं तो 2017 में अगर एक आदमी कह रहा है कि यार उसको पास फेम नहीं है बट वो उसको मेजर बता रहा है जो फेमस है वो ठीक है तो मैं मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने जो चीज़ अचीव ही नहीं करी मैं कैसे उस चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ तो अब तो मैंने अचीव कर ली अब तो बोल सकता हूँ <laughs> अभी भी सेम है अभी भी पैसे के लिए भी सेम है भाई अभी भी उस चीज़ के लिए भी सेम है फेम के लिए भी सेम है Correct. कि ये छिलके हैं सिर्फ दिस इज दिस इज समथिंग क्या बोलते हैं उसको कि आपने कुछ करा उसका पीछे का फल है ये hmm. आपका ये डायरेक्ट ये मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए ये प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए अगर ये प्रायोरिटीज़ है देन देर द एंडलेस गेट्स जिस पे आप ढंग के गेट पे कभी नहीं पहुंचोगे हमेशा कोई नया दरवाज़ा हमेशा नया दरवाजा कब तक खटखटाओगे तो ये चीज़ों का कोई अंत नहीं है और इसका रीज़न ये नहीं है कि पैसा पैसे में मैं वेल ऑफ था भाई इतने मतलब इतना आगे बढ़ चुकी है दुनिया कि खाने के लाले बहुत कम लोगों को हैं हमारे देश में है काफ़ी बट जो है एटलीस्ट ये चीज़ें देख रहे हैं उनको इतना नहीं है और जो मेजोरिटी है उनको नहीं है खाना मिल जाएगा और खाने के ऊपर खाना शेल्टर कपड़ा ठीक है इसके ऊपर सब लग्जरी है ठीक है अब उसको लग्जरी को आप कितना ही बढ़ा लो वैसे तो मेरे फिर अभी मेरे पास प्राइवेट जेट तो नहीं है तो मेरे लग्जरियस लाइफ स्टाइल नहीं है क्या <laughs> तो क्या 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 सेवा मैं अभी क्या मैं नहीं ले <laughs> <laughs> तो वही है कि कैसे कैसे पता चलेगा भाई उसके बाद तो नीड्स के बाद तो सब लग्जरी है तो उसकी समझ बस होनी चाहिए उसके लिए ये नहीं है कि भाई मेरे पास था तो मैं तो दिमाग से तो बहुत गरीब था भाई ये तो बहुत फेमस बात है और मतलब मेरे ना यारों दोस्तों में भी कि क्या कहते हैं अच्छे घर से आते हुए भी गरीब औलाद पैदा हुई है <laughs> <laughs> तो मेरा हमेशा से वो है और हमेशा से मैं आज भी रोक के चलता हूँ अभी भी मेरे वॉलेट में हद से हद दो सौ रुपये मिलेंगे तो, तो बात है। उसको कभी भी मैं ओवरवेलम होने नहीं दिया खुद को जो भी अभी भी आता है वो सारा घर पे जाता है मेरे पास सही है वैसे पैसे तो कोई भी नहीं रखता आज के टाइम पे तो पेटीएम चलता, चलता है भैया हम पेटीएम यूपीआई नहीं तो हमेशा तो नहीं चलता ना जब जब से ऐसे चल रहा है अपना सिस्टम अब ये बताओ आपने खुद बताया कि भाई अलग अलग लोगों के लिए सक्सेस अलग अलग चीजें हैं रिक्शे वाले के लिए सक्सेस ये हो सकता है शायद कि भाई आज दो रोटी का खाना बढ़िया तरीके से मिल गया किसी के लिए सक्सेस सक्सेस परिवार है किसी के लिए सक्सेस उसकी अच्छी हेल्थ है अपने परिवार की हेल्थ है किसी के लिए सक्सेस पैसा है विलन के लिए गया है

कोई बात नहीं आप बताओ मुझे बताओ मेरा ये डर है कि मैं अपने पेरेंट से पहले ना मर जाऊ oh, <laughs> तो तो। क्यों लेकिन क्यों यार को लगता है? नहीं लगना तो क्या है इसमें भाई जिंदगी है कोई भी मर सकता है कभी भी तो मेरे को वो दिक्कत नहीं है मरने से दिक्कत नहीं है बट उन, feel... उनका इंटेलेक्ट वो वाला नहीं है ना बाबा वाला मेरे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है दुनिया है ऐसे ही चलेगा तो यार एक बच्चा बच्चा होता है सबके लिए वो मतलब एक खा मखा की चीज़ एक फंस गई थी मेरे दिमाग में ना काफ़ी समय पहले हुँ 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 जब आप डिप्रेशन वगैरह में होते हैं ना आपको हमेशा लग रहा होता है कि आप कि आज मरोगे <laughs> तो वो चीज़ काफ़ी चली थी तो उसकी वजह से वो बैठ गया था थोड़ा सा दिमाग में बट ऐसा नहीं है कि ये ये चलता रहता है बट ये है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो वही आया मेरे दिमाग में और तो कुछ नहीं सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो उस दुनिया में अभी सबसे ज्यादा लवलीस्ट पर्सन अगर मैं पूछूँ जो आपके बहुत करीब है जिससे मतलब हाँ, नहीं नहीं यार मैं तो मैं तो इस चीज के थोड़ा सा किसी को करीब नहीं आने देते क्या हाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं है मतलब प्यार प्यार क्या होता है कि भाई तुम्हारे अंदर हॉर्मोन्स फूट रहे हैं ठीक है तुम यूर फीलिंग ठीक है वो अंदर की चीज है तुम्हारे हो सकता है प्यार भाई मुझे ये भाई से मिले कि यार कितना अच्छा भाई है हाँ। ऐसे प्यार से बात कर रहा है तो है आपसे आप गलत ले जा रहे हैं नहीं 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 यही पूछा नहीं मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि भाई से तो आज ही मिला हूँ ना मैं तो प्यार का क्या है कि भाई आपके अंदर जब होता है ना जी आपके अंदर ऑक्सोटोजन हार्मोन जब रिलीज हो रहा है ना तो यू फील लव्ड यू फील लाइक लविंग अदर पीपल जी तो वो चीज़ आप किसी के भी साथ कितना भी कर सकते हो उसको आपको एक फाइनाइट वो नंबर नहीं चाहिए उस चीज के लिए कि ये है और यही है यही वो है गलत बात है वो आपके लिए भी गलत बात है उस आदमी के लिए भी गलत बात है जो अभी पहले कर रहे थे कि करेक्ट 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 है तो हमेशा इस चीज को ऐसे ही होना चाहिए कि सबके लिए होंगे प्यार है सबके लिए हाँ। आपस में बट ये भी है वही वाली बात है कि किसी को जबरदस्ती भी जिसको नहीं जरूरत उसको मत तोपो बट ये है कि अपने अंदर से तो कर ही सकते हो आप किसी को उसको दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना तो जब आप अंदर से ही आपके होगा ना प्यार की यार वाह 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 अपनी जिंदगी भी खुशहाल रहेगी दूसरों की भी उनको भी मज़ा आएगा कि क्या अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप हर किसी की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको इंस्पायर कर रही होती हैं कुछ किताबें हो सकती हैं कोई इंसान हो सकता है जिनको देख के हम लुक आफ्टर करते हैं कि यार आपकी ज़िंदगी में हु इंस्पायर यू द मोस्ट इंस्पायर अब तो इंस्पायर वाला सीन थोड़ा सा कम हो रखा है क्योंकि मैं कम से कम कोशिश करता हूँ ये होने की बट ऑफकोर्स फैमिली फैमिली बहुत ज़्यादा करता हूँ तो हुत फैमिली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी हर तरह का कैरेक्टर है मेरी फैमिली में <laughs> उनसे उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई हैं ठहराव सिखाया है कि भाई इज्जत होती है सबसे पहले उसके बाद है सब चीज़ें बहुत तरीके के लेसन्स दिए हैं मुझे कि भाई ना किसी को ना किसी का अपने पास रखना ना किसी को देना करेक्टर ना किसी पे भाई एहसान जताना ना, ना किसी, किसी का, लेना। का लेना तो ये वाली चीज़ें सारी वहाँ से सीख के थोड़ा सा पर्सनालिटी ये जो है अब फैमिली की तरफ इतने लास्ट क्वेश्चन था ये पर फिर एक और आ रहा है कोई नहीं, नहीं। यहाँ भी है लव फैमिली। फैमिली की तरफ एक टाइम एक पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा पाता क्योंकि बहुत ज्यादा रहता है यार कि बात भी नहीं होती मतलब अपनी फैमिली से लोग बात भी नहीं कर पाते घर में होने के बावजूद भी उनके हफ्ते हफ्तों तक बात नहीं चल रही थी अपने फादर से बात नहीं कर रहा अपनी मदर से बात नहीं कर रहा आपका इतना ज़बरदस्त इंक्लेनेशन कैसे है अपनी फैमिली की तरफ यार मेरे को अकल आ गई थी बस मैं और तो क्या ही बोलूँ कि जो घर वाले बोलते हैं ना जितनी भी चीज़ें तुम्हारे घर वाले जो भी कह रहे हैं ना वो सब सच है भाई मुझे बहुत बाद में एक एक बात का रियलाइजेशन बारी बारी करके हुआ कि अच्छा ये भी सच बात है ये भी ठीक बात है तो वाली चीज़ है कि यार आप अगर परिवार एक वो चीज़ है कि जो जिसके पीछे मोटिव कम से कम है समझ रहे हो कि आपको प्यार करने के समझ रहे हूं? वो उस चीज़ पे अगर आप बैकलैश नहीं दे पा रहे अपना कुछ वापस नहीं दे पा रहे तो क्या ही हो भाई तुम क्या ही करोगे बाहर धक्के खा के निस्वार्थ प्यार अगर कहीं है तो वो परिवार ही करता है हाँ यार अब मतलब वो ऐसे ही रहेगा समझ रहे हो तो उस, उस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए अब मैं भी ऐसा नहीं है मेरा भी टीन फेज़ रहा है मेरा भी बहुत बेकार बेकार फेज़ रहे हैं तो मुझे भी ऐसा बीच में होता था कि मैं चिड़चिड़ा रहता था और भाई मतलब कोई प्यार से कर रहा है तो चिड़चिड़ा हो रहा हूँ कोई डांट रहा है तो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ाऊँ तो ये सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल देता था वो तो पिटाई हो जाती थी तो पर व्यवहार में मन में इरिटेशन जो हो जाती है ना उसको जता नहीं सकते आप बट होती थी तो उस चीज़ को मैंने समझा है कि यार ये सिर्फ चाहे वो गलत कह रहे हैं भाई मेरी मेरी जनरेशन नई जनरेशन है वो उस जनरेशन का क्या पता कुछ सर्टेन चीज़ को ना समझ पा रहे हो करेक्ट है बट उनकी जो समझ है उस समझ से वो एक निचोड़ ये निकाल के कि इसके लिए शायद ये ठीक है तो हम इसको ये बताएंगे समझ हो तो इसको ये करवाएंगे हमारी क्योंकि समझ ही कहती है तो उनका मोटिव तो सिर्फ ये है ना कि तुम्हारी बेटरमेंट करेक्ट तो अगर तुम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे और तुम्हारी अपनी इंटेलिजेंस हर्ट हो रही है तुम्हारे पेरेंट्स के कुछ कहने पे तो तुम भाई जीरो बटा जीरो ही हो फिर कोई फायदा नहीं <laughs> बहुत डीप है यार बहुत हो आप ये कहावत है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि जो इंसान नहीं सोच पाता उतना डीप जाके एक आर्टिस्ट सोच लेता है It was lovely, lovely having you on my podcast चैनल कुछ thank भी सवाल अगर आप लोगों के भी होते हैं इनसे डायरेक्टली पूछने तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो और अगर सवाल बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत वैलिड होते हैं तो मैं वापस आऊंगा आपके पास Definitely. और भी करेंगे बिल्कुल भाई थैंक यू सो मच भैया थैंक यू